नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च दिन बुधवार। सबसे पहले आप सभी को बिहारी न्यूज की ओर से बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है बिहार दिवस, ये होगा खास। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में इतने परीक्षार्थी हुए सफल। आज से शुरू हो रहा चैत्र नवरात्र। बारिश और ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का सरकार देगी मुआवजा। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, निर्णायक मुकाबला आज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है बिहार दिवस, ये होगा खास। आज यानी कि 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि आज का दिन बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। ऐसे तो 1912 में 19 मार्च को बिहार राज्य का गठन किया गया था। इस साल ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार इस क्षेत्र को बंगाल से अलग कर दिया गया था और इसे एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2010 से बड़े पैमाने पर हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाना शुरू किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार दिवस 2023 को खास बनाने के लिए इस बार बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा 22 मार्च से 24 मार्च तक कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज से 24 मार्च तक स्कूली बच्चे बिहार के कई पर्यटन स्थलों पर निशुल्क घूम सकते हैं। इसके अलावा लोगों को बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में बेल्ट्रॉन के माध्यम से लोगों को फ्री वाईफाई सुविधाएं दी जाएंगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा राजधानी पटना के सिनेमा घरों में चुनिंदा फिल्में मुफ्त में दिखाई जाएंगी। इन दिनों गांधी मैदान और एसके मेमोरियल हॉल में गायकों और संगीतज्ञों की महफिल सजेगी, जिसमें मैथिली ठाकुर, जावेद अली, इंडियन आइडल विजेता सलमान अली और दीपाली सहाय समेत कई कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। आरईसी ने 125 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। आरईसी लिमिटेड के द्वारा इंजीनियरिंग अनुशासन, वित्त और लेखा अनुशासन, मानव संसाधन अनुशासन, सूचना प्रौद्योगिकी अनुशासन, कॉरपोरेट संचार अनुशासन, कंपनी सचिवालय अनुशासन, कानून अनुशासन, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुशासन, प्रशासन और संपर्क अनुशासन, सचिवीय अनुशासन और राजभाषा अनुशासन के 125 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि इन सभी 125 पदों के लिए पद के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जो उम्मीदवार आरईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए recindia.nic.in/careers पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रिचा सोनी के बारे में। रिचा सोनी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत शरारत से की। वह कलर टीवी के डेली शो भाग्य विधाता में बिंदिया की भूमिका के लिए जानी जाती है। वह नचले वेब विद सरोज खान सीजन 2, बदलते रिश्तों की दास्ता, जात की जुगनी और शिया के राम जैसे शो में भी नजर आ चुकी है। उन्होंने द साइलेंट स्टैचू कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित जैसी लघु फिल्में भी की है और उन्होंने दूसरे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है। उन्होंने पौराणिक टेलीविजन सीरीज में भी अभिनय किया। वह एक प्रशिक्षित कथक डांसर है। अब तक उन्होंने 2 अलग अलग भाषाओं, हिंदी और तेलुगु में काम किया है। इन महिलाओं को मिलेगी बिहार पुलिस भर्ती की हाइट में छूट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में उन महिलाओं को बिहार पुलिस भर्ती की हाइट में छूट दी जाएगी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं। बता दें कि इन महिलाओं के लिए निर्धारित 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा पर सरकार के द्वारा तत्काल गौर किया जाएगा। इसके बाद ही इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में सामान्य व पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, तो वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में इतने परीक्षार्थी हुए सफल। बीते दिन बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए, जिसमें इस बार कुल 10 लाख यानी कि 83.7% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष कला संकाय से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 6,68,526 रही, जिसमें 5,53,150 परीक्षार्थी सफल रहे। वहीं अगर विज्ञान संकाय की बात करें तो इसकी परीक्षा कुल 5,86,532 विद्यार्थियों के द्वारा दी गई थी, जिसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 लाख
92,300 रहा। इसके अलावा कॉमर्स संकाय से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 49,155 रहा, जिसमें 46,180 परीक्षार्थी सफल हुए। हालांकि बीते दिन जारी किए गए रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा बना दिखा। बता दें कि साइंस स्ट्रीम में 474 नंबर के साथ आयुषी नंदन ने टॉप किया है, तो वहीं आर्ट्स स्ट्रीम में 475 अंक के साथ मुहदेशा टॉप है और कॉमर्स स्ट्रीम से 475 अंकों के साथ सौम्या शर्मा और रजनीश कुमार पाठक ने टॉप किया है। मालूम हो कि इन टॉपर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 1,00,000 रुपए, एक लैपटॉप और एक ई बुक रीडर दिया जाएगा। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपए और एक लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 15,000 रुपए और ई बुक रीडर दिया जाएगा। शुरू हो रहा चैत्र नवरात्र, आज यानी कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। बता दें कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज कलश स्थापना की जाएगी। ऐसे में अगर कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ज्योतिषियों के अनुसार कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 6:29 बजे से शुरू होगा, जो कि 7:40 बजे तक खत्म होगा। वहीं अगर आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उस दौरान कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 12:04 से होगी, जो 12:52 तक रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस बार माता का आगमन नाव से हो रहा है, वहीं माता की विदाई हाथी पर होगी। मालूम हो कि माता का नाव पर आना बेहद ही शुभ माना जाता है। दिव्यांग बच्चों को नामांकन से लेकर ऑपरेशन तक की मिलेगी सुविधा। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिहार के 0 से 18 वर्ष तक के 2.30 लाख दिव्यांग बच्चों को लेकर एक योजना बनाई गई है, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता की जांच, सहमूल्यांकन, दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं विभिन्न विभागों की दिव्यांगों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे बच्चों के स्कूलों में नामांकन कराने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत औपचारिक रूप से 1 अप्रैल से की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली दिव्यांगता प्रमाण पत्र से लेकर समस्त सुविधा के साथ ही एक ही जगह पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए टाइमलाइन भी तय कर लिया गया है, जिसके अनुसार 25 मार्च से 15 अगस्त तक सारे कामों को पूरा कर लिया जाएगा। निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों पर हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ के द्वारा पिछले 2 दशक से राज्य के विभिन्न निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मुकदमे के मामले को लेकर कौशिक रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि बीते दिन की यह सुनवाई अधूरी रही, वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई आज हो जाएगी। मालूम हो कि इस मामले को लेकर की गई पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा बिहार राज्य सेवा प्राधिकार के सचिव को निर्देश देते हुए कहा गया था कि वे नेशनल जुडिशियल ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के उपलब्ध आंकड़े को मूल रिकॉर्ड से जांच करे। अब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई आज की जाएगी। बिहार में बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी। श्रम संसाधन विभाग की ओर से बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर में 4% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, यानी कि न्यूनतम मजदूरी दर में 4% की बढ़ोतरी होने से बिहार के मजदूरों को 15 से 23 रुपए रोजाना का लाभ होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए नियम को श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2023 लागू किया जाएगा। हालांकि विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 88 तरह के नियोजनों में 4% की बढ़ोतरी होने को लेकर नियोजक के प्रतिनिधि व श्रमिक संघों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्श दात्री परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस निर्णय पर तय किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अकुशल श्रेणी के मजदूरों को 373 रुपए रोजाना मिल रहे हैं, जिनमें 15 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। वहीं अति कुशल श्रमिकों को वर्तमान में 577 रुपए रोजाना मिल रहे हैं, जिनमें 23 रुपए की वृद्धि होगी। शिक्षा मंत्री ने सभी 12वीं पास छात्रों को दी बधाई। बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने बिहार के तमाम बच्चे जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लाया है, उन्हें और उनके माता पिता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इंटर परीक्षा के रिजल्ट में बेटियों के द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया, तीनों संकाय में लड़कियों ने टॉप किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के तमाम बच्चे जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लाया है, उन्हें और उनके माता पिता को बधाई देता हूं। आज बच्चियां हर क्षेत्र में आगे है, वहीं एक बार फिर से बच्चियों ने अच्छा किया है, बच्चियों के माता पिता को बधाई। अगर आप बिहार का नाम करें तो भारत का नाम रोशन होगा।
मार्च से पटना से दिल्ली तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। बहुत जल्दी बिहार के लोगों को बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली जाना आसान होने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा मार्च महीने से पटना से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि इस बात की जानकारी भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन के द्वारा अपने सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार को दिए इस शानदार तोहफे के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। मार्च से सिर्फ 7 घंटे में पूरा होगा पटना से दिल्ली तक का सफर। राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना जंक्शन और दानापुर से होकर गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा वंदे भारत एक्सप्रेस। बारिश और ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का सरकार देगी मुआवजा। बीते दिन बिहार विधानसभा बजट के 13वें दिन बीजेपी विधायकों के द्वारा वर्षा और ओलावृष्टि के कारण किसानों के हुए फसल के नुकसान को लेकर मुद्दा उठाया गया और क्षति मुआवजा देने की मांग रखी, जिस पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा ऐलान करते हुए यह जानकारी दी गई कि सरकार की ओर से किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को डीएम को निर्देश दे दिया गया है कि वे फसल क्षति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। इसके बाद ही इस ब्यौरा के आधार पर किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्षा और ओलावृष्टि से गया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में 16,531 हेक्टेयर फसल की क्षति हुई है। जब्त वाहनों की सामूहिक नीलामी से इतना राजस्व हुआ प्राप्त। बिहार के थानों में वर्षों से सर रहे 5,660 जब्त वाहनों की सामूहिक नीलामी से राज्य को काफी फायदा मिला है। दरअसल इन वाहनों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व के रूप में 19 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन वाहनों की सामूहिक नीलामी की प्रक्रिया को पूरा करने का समय 31 मार्च तक निर्धारित किया गया है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि 19 करोड़ राजस्व का यह आंकड़ा 31 मार्च तक और भी बढ़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि हर जिले में सामूहिक नीलामी के लिए गाड़ियों की गिनती कर कोडिंग की जा रही है और फिर 2 बार सार्वजनिक नोटिस निकालकर उन गाड़ियों पर आपत्तियां ली जा रही है, जिसके बाद अगर आपत्तियां नहीं मिलती है तो उन गाड़ियों की सामूहिक नीलामी कर दी जाती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जालान हाउस के बारे में। जालान हाउस, जिसे किला हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तथा इस भवन में हीरे जवाहरात तथा चीनी वस्तुओं को संग्रहित किया गया है। एक अच्छा बेशकीमती जेवरातों को संग्रहित कर बनाया गया एक निजी संग्रहालय है, जिसे दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान द्वारा शेरशाह सूरी के किले के टूटे हुए अवशेष पर बनाया गया था, जिसकी अद्भुत कलाकारी अविस्मरणीय है। इसकी सुंदरता किसी भी पर्यटक के मन को लुभाने के लिए काफी है। यहाँ की दीवारों की नक्काशी तथा अद्भुत कलाकारी को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते रहते हैं। इस संग्रहालय में सैकड़ों प्रकार की कीमती धातुओं, सोना चांदी के जेवरात तथा महंगे महंगे धातुओं का प्रयोग कर बनाया गया है, जो इस संग्रहालय की सुंदरता में 4 चांद लगाए हुए है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। 31 मार्च से पहले पोस्ट ऑफिस खाता धारक निपटा ले अपने जरूरी काम। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस खाता धारक है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 31 मार्च से पहले पोस्ट ऑफिस से जुड़ी अपनी सभी कामों को आप निपटा ले। दरअसल 31 मार्च वित्तीय लिहाज से काफी अहम माना जाता है। ऐसे में भारतीय डाक घर के द्वारा पोस्ट खाता धारकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस अलर्ट के जरिए खाता धारकों को जल्द से जल्द अपना मोबाइल अपडेट करने की सलाह दी गई है। ऐसे में अगर आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि भारतीय डाक विभाग की ओर से इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी गई है, जिसमें लिखा गया है, सभी डाकघर खाता धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने डाकघर खाते में अपना मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट करें। 1 अप्रैल 2023 तक मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य है। सिंगापुर के ड्रीम क्रूज पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का धमाल। सिंगापुर के ड्रीम क्रूज पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के द्वारा डांस कर धमाल मचा दिया गया। बता दें कि अक्षरा सिंह ने एक से बढ़कर एक हिंदी से लेकर भोजपुरी गानों पर अपने डांस का जलवा दिखाया और लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षरा सिंह भोजपुरी की ऐसी पहली कलाकार है जिन्हें सिंगापुर के ड्रीम क्रूज पर यह मौका मिला है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन टीएमटी की कंपनी के डीलर्स मीट के दौरान ही उन्हें कंपनी के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया। इस दौरान अक्षरा सिंह के द्वारा उमंग कैप्टन स्टिल का आभार जताते हुए कहा गया कि पुरुष प्रधान समाज में एक लड़की को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता, ताकत और जुनून के साथ आगे बढ़ने में आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, इसके लिए मैं सबको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उमंग कैप्टन स्टील परिवार से जुड़कर कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। इस महीने लू के आसार नहीं, IMD का बड़ा अपडेट।
बिहार में बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। पटना समेत कई जिलों में पिछले 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार से यानी कि आज से स्थितियां बदलने लगेंगी। हाल के कुछ दिनों से जारी बारिश का दौर थमेगा, गर्मी की वापसी होगी, तापमान भी ऊपर जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि इस महीने लू चलने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी लेकिन लू जैसे हालात नहीं होंगे। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार तक पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। बुधवार से आसमान साफ रहेगा, जिससे तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। गणित और विज्ञान में तेज होंगे सरकारी स्कूल के बच्चे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गणित और विज्ञान में तेज हो सके, इसके लिए बिहार की राजधानी पटना में स्थित IIT पटना के द्वारा अलग अलग चरणों में गणित व विज्ञान के शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद पटना IIT के द्वारा उन स्टूडेंट्स को भी प्रशिक्षित किया जाएगा जिन्होंने विभिन्न टैलेंट सर्च एग्जाम, विज्ञान प्रदर्शनी या ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन किया होगा। बता दें कि स्टूडेंट्स और शिक्षकों को दी जाने वाली इस ट्रेनिंग के लिए बिहार सरकार की ओर से IIT पटना को मुहैया कराया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं अप्रैल महीने में इसके लिए रोल मैप तैयार कर लिया जाएगा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब IIT पटना में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे पहले भी कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जो आज अच्छा काम कर रहे हैं। नेत्रहीन बच्चों के स्कूलों की बदहाली स्थिति पर सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य के नेत्रहीन बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों के बदहाल स्थिति पर सुनवाई की गई। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब इस मामले पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया था कि वे इस मामले पर विस्तृत और सही स्थिति बताते हुए हलफनामा दायर करें। मालूम हो कि कोर्ट ने मुख्य सचिव को नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूलों की स्थिति, योग्य शिक्षकों की बहाली, छात्रों की पढ़ाई के संबंध में पूरी और यथार्थ जानकारी देने का निर्देश दिया था। जेडीयू ने की नई राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा। बीते दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा जेडीयू की 31 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। रामनाथ ठाकुर, अली अशरफ फातमी, संजय झा, गिरदारी यादव, संतोष कुमार कुशवाहा, राम सेवक सिंह, चंदेश्वर प्रसाद, चंद्रवंशी देसाई चौधरी, गुलाम रसूल बलियावी, RP मंडल, विजय कुमार मांझी, भगवान सिंह कुशवाहा, कहकंसा परवीन, राजकुमार शर्मा को महासचिव बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक राजीव रंजन को जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं धनंजय सिंह यूपी के पूर्व सांसद को भी महासचिव बनाया गया। कमर आलम, हरीश चंद्र पाटिल, अशफाक अहमद, इंजीनियर सुनील हर्षवर्धन और राज सिंह मान को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव की लिस्ट में रविन्द्र प्रसाद सिंह, राजीव रंजन प्रसाद, संजय वर्मा, अनुप पटेल, दयानंद राय, संजय कुमार शामिल है। वहीं सांसद आलोक कुमार सुमन को ट्रेजरर बनाया गया है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में मंगनी लाल मंडल चुना गया है। तेजस्वी यादव ने अपने होने वाले बच्चे को लेकर कहा ये। बीते दिन बिहार विधानसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अपने होने वाले बच्चे को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और हमें अगर एक बेटी आशीर्वाद के रूप में मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी गर्भावस्था के कारण अनियमित रक्तचाप से पीड़ित है और उसकी हालत तब ज्यादा खराब हो गई जब ED के द्वारा छापेमारी करने के दौरान उन्हें एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक कैद कर रखा गया। आखिरकार अंत में हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि ED ने मेरे घर पर अपने काम को 30 मिनट में पूरा कर लिया लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरे घर पर लगभग 15 घंटे बिताए और जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामले में अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए थे जिनके घर पर उन्होंने 14 घंटे बिताए थे। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया निर्णायक मुकाबला आज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीम 1-1 मुकाबला जीतकर 1-1 की बराबरी पर है, इसलिए सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीम अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। दूसरे वनडे में भारत को 10 विकेटों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। रोहित शर्मा की टीम इस हार का भी बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत के लिए चिंता का सबब
उसकी बल्लेबाजी है, इसलिए तीसरे वनडे में सबकी नजरें भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर होगी। वहीं पिछले वनडे में 10 विकेटों से जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का मनोबल सातवें आसमान पर होगा। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि फोन पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में अपनी सेना को दिल्ली में जनसंहार की इजाजत दी। कोलकाता में 1964 में पुरानी कारों की पहली रैली विंटेज कार रैली आयोजित की गई। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 1969 में उद्घाटन हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। 1894 में भारत की स्वतंत्रता के लिए चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुरेश सेन का जन्म हुआ। 1961 में 16वीं लोकसभा सांसद एवं वर्तमान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल उराव का जन्म हुआ। 2007 में भारतीय दार्शनिक उपलूरी गोपाल कृष्णमूर्ति का निधन हुआ। 1971 में स्वतंत्रता सेनानी हनुमान प्रसाद पोद्दार का निधन हुआ। 1977 में केरल के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता और भारत के स्वतंत्रता सेनानी एके गोपालन का निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंडिया के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंडिया के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक ईमेल में दावा किया गया है कि इनकम टैक्स इंडिया प्राप्तकर्ता 41,104 रुपए के रिफंड का हकदार है और उसके नाम पर अपना व्यक्तिगत विवरण मांग रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावा झूठा है। ऐसे संदिग्ध ईमेल की रिपोर्ट www.manager@incometax.gov.in पर करें। जरूरी मैसेज और अलर्ट हो रहे मिस, तो फोन में तुरंत बदले ये सेटिंग। कई बार स्मार्टफोन में जरूरी मैसेज और अलर्ट मिलने में देरी होने लगती है। इसकी वजह से कई नए अपडेट मिस हो जाते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले, अगर आपके स्मार्टफोन में बैटरी सेवर फीचर ऑन है तो इसे बंद कर दे। जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करे। कई बार बैटरी लंबी चलाने के लिए फोन में नोटिफिकेशन का डिले इस कारण से हो सकता है। इस तरह अगर आपके फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहता है तो उसे भी डिसेबल करे। इस फीचर के ऑटो टर्न ऑन सेटिंग को भी ठीक करें। इसके अलावा अगर फोन में नोटिफिकेशन मिलने में देरी हो रही है तो फोन को रीस्टार्ट करने के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा तो आप नेट या वाईफाई कनेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत के ही नोटिफिकेशन को ही ऑन रखें या एप्स को फोर्स करें। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार दास, एचके मल्होत्रा, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, प्रेम विशाला, मोहम्मद सैफुल्ला, रोहित कुमार मौर्य, कुमारी संजना, नुन्नू गोलू कुमार, अभिषेक राज सिन्हा, पुरुषोत्तम कुमार, सुदामा सौ, रवि कुमार राम, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतकर सीरीज जीतने में कामयाब होगी? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।